संसद के शीतकालीन सत्र में आज राज्यसभा में एक बेहद खास बिल पेश किया जाएगा। ये बिल ट्रांसजेंडर बिल है। बिल में ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों की बात की गई है। उभयलिंगी या ट्रांसजेंडर बिल संसद के पिछले सेशन में लोकसभा में पास हुआ था। अब अगर ये बिल राज्यसभा में भी सर्वसम्मति से पास हो गया तो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को बल मिलेगा। अब चूंकि आज इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा तो आइए जान लेते हैं इस बिल से जुड़ी सभी छोटी बड़ी जरूरी बातें क्या हैं। क्या है ट्रांसजेंडर बिल 2019? ट्रांसजेंडर बिल 2019 का मतलब है कि ट्रांसजेंडर लोगों के साथ भेदभाव खत्म हो और उन लोगों को भी बराबर सम्मान मिले, समाज में उनके अधिकार सुरक्षित हो सके। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का कहना है कि इस बिल के पास होने के बाद ट्रांसजेंडर को शिक्षा, नौकरी, स्वास्थ्य, सामाजिक सुविधाओं के लाभ, आंदोलन के अधिकार, संपत्ति कब्जा करने या किराए पर लेने के अधिकार, सरकारी या प्राइवेट ऑफिस में किसी पोस्ट पर बैठने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस बिल के पास हो जाने से एक और लाभ ट्रांसजेंडर लोगों को होगा और वो ये है कि उनके साथ किसी भी तरह का लैंगिक भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस बिल में ये भी प्रावधान है कि ट्रांसजेंडर को उनकी लैंगिक पहचान के आधार पर घर या गांव से निकाला नहीं जा सकता है। यही हमारे देश का संविधान भी कहता है। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए बना कानून तो प्रताड़ित करने पर मिलेगा दंड। इस बिल के कानून बन जाने के बाद अगर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या भावुकता के आधार पर अगर किसी ट्रांसजेंडर का शोषण किया जाता है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति के लिए सख्त सजा का प्रावधान है। ऐसा करने पर 6 से 2 साल की सजा और फाइन लगाने का प्रावधान है। इस बिल पर क्यों हुआ था विवाद? इसी साल अगस्त में ये बिल लोकसभा में पास हुआ था। इस बिल के पास होने के साथ ही इस पर जमकर बवाल होना शुरू हो गया था। दरअसल जिस दिन ये बिल लोकसभा में पास हुआ उस दिन को ट्रांसजेंडर समुदाय से जुड़े लोगों ने जेंडर जस्टिस मर्डर डे कहा कि इस दिन लैंगिक न्याय की हत्या हुई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस बिल में इंटरसेक्स लोगों को भी ट्रांसजेंडर की श्रेणी में गिना गया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इंटरसेक्स व्यक्ति कौन होता है? इसका जवाब है कि पैदाइश के वक्त जिस व्यक्ति के निजी अंगों से ये साफ नहीं होता कि वो पुरुष है या औरत, उन्हें इंटरसेक्स कहते हैं। जबकि ट्रांसजेंडरशिप और समलैंगिकता जन्म के बाद अपने रहन सहन और साथी के चुनाव से निर्धारित होती है। यही कारण है कि ट्रांसजेंडर समुदाय का कहना है कि सभी इंटरसेक्स को समलैंगिक समुदाय में शामिल नहीं किया जा सकता है। एक और वजह है जिसके कारण इस बिल का विरोध हुआ था, वो ये है कि इस बिल में कहा गया कि ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी अधिकारी और डॉक्टर की मौजूदगी में सेक्सुअलिटी का प्रमाण पत्र लेना होगा, जबकि सेक्सुअलिटी स्वतंत्रता का मामला है। वहीं अगर समलैंगिक या ट्रांसजेंडर किसी दबाव की वजह से अपना घर छोड़ना चाहता है तो वो घर छोड़कर अपने समुदाय के पास नहीं जा सकता है। उसे पहले अदालत में जाना होगा जहां से अदालत उन्हें पुनर्वास केंद्र भेज सकती है। इस तथ्य को भी समलैंगिक समुदाय ने मानवाधिकार के उल्लंघन के तौर पर देखा।